हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। चना दाल की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को मैंने सोक कर लिया था 2 घंटे तक। अब उसे स्ट्रेन करके एक ग्राइंडिंग जार में हम लोग डाल देंगे, साथ ही में हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन भी डाल देंगे उसमें। अब 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया का सीड डालेंगे और सबको पीस लेंगे। अब जो है मिश्रण तैयार हो चुका है चना की बड़ी बनाने का, तो उसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें हल्दी और नमक डाल के मिलाना है हमें। इसे मिलाने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि आप जितना मिलाइएगा उतना ये फ्लफ़ी होगा। आपकी बड़ी जो है वो कभी भी, बहुत लोगों का हमेशा रिक्वेस्ट आता है कि कढ़ी जो होती है उन लोगों की बड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो इस प्रोसेस से अगर आप बनाइएगा तो आपकी बड़ी कभी भी हार्ड नहीं होगी। इसे 5 से 10 मिनट तक हमें फेंटना है। अब ये तैयार हो चुका है, फिर इसे अलग रख देंगे। और मीनवाइल हमें अब कढ़ी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए 2 चम्मच हम लोग दही लेंगे और साथ ही में यहाँ पे मैं ये लस्सी ले रही हूँ, जो नमकीन लस्सी यानी कि छाछ जो होता है, मट्ठा जिसे कहते हैं, वो ले रही हूँ। अगर आप चाहें, आपके पास ये नहीं है, तो आप पानी भी मिला सकते हैं दही में, उस समय आपको दही की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब उसमें नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ ही में 3 चम्मच के करीब हमें बेसन डालना है और उसे मिला लेंगे। यहाँ पे आपको ग्राइंड ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का, आप कढ़ी देखते होंगे कि कढ़ी में दही फटी फटी सी रहती है, तो वो इसलिए रहती है क्योंकि एक तो फेटा नहीं जाता है, दही अपने आप फट जाती है कढ़ाई में जाने के बाद, इसलिए ग्राइंड करना बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये ग्राइंड कर लिया है मैंने, अब उससे अलग रख लेंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई में सरसों तेल लेंगे और उसमें बड़ी का जो शेप है वो डाल डाल के हाथों की मदद से हमें बड़ी बनाना है। छोटी छोटी पकौड़ियों जैसा आप बना सकते हैं इसे। अगर आप चाहें तो इसे एक्स्ट्रा बना के एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं इसे। अगर चाहें तो इसमें प्याज और मिर्चा डाल के, ये सब डाल के आप चाहें तो इवनिंग स्नैक्स की तरह भी इसे सर्व किया जा सकता है। अब उसे हम लोग अलग रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मेथी डालेंगे 1 पिंच, फिर 1 पिंच पंचफोरन डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे साबुत वाली जो होती है, फिर 1 टेबलस्पून के करीब हमें सरसों तेल डालना है, फिर उसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और चॉप किया हुआ प्याज भी, मिर्च, हरी मिर्च भी डालेंगे और फिर प्याज डाल देंगे उसमें, और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसे हमें फ्राई करना है। अब उसमें जो हमने ग्राइंड किया था दही और मट्ठे को, तो वो वाला इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें डालेंगे और उसे हमें पकाना है मिक्स करते हुए। थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी भी डालेंगे क्योंकि पानी डालने से ये आपकी जो कढ़ी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही होगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं।
अब इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे। हल्दी बिल्कुल आपको जैसा कलर चाहिए अपनी कढ़ी का वैसे ही हमें हल्दी डालना है। उसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब उसे ढक के पकाना है। अब उबाल आने लगा है, इसका मतलब है हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग बड़ी जो हमने बनाई है वो डालेंगे। आधी बड़ी मैं बचा रही हूँ राइस के साथ अलग से सर्व करने के लिए। अब इसे ऐसे ही कुछ देर पकाएंगे और हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ते से और सर्व करेंगे राइस के साथ। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।